हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम सिंपल नॉर्मल चेयर पे आप आईब्रो थ्रेडिंग की वीडियो बनाओ और पोस्ट करो, बस यही रीज़न है मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये मेरी स्टूडेंट हैं जो मेरा आईब्रो कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो फाइनल लुक भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये देखिए मैं सिंपल चेयर पर बैठी हुई हूँ, मेरा जो पार्लर का चेयर है वो साइड में है, वो आपको दिख रहा होगा। तो ये मेरा थ्रेडिंग कर रही हैं, आप देख सकते हो। तो एंजॉय दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सेकंड चैनल पे ड्रेस डिजाइनिंग से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ। तो सेकंड चैनल का नाम प्रीत तिवारी 2 है एंड एक और नया चैनल बनाया हुआ है जिसपे शॉर्ट्स वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। तो ये देख सकते हैं आप, आईब्रो मेरी बन रही है यहाँ पर। तो वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, इन्होंने ऊपर का बना लिया है और नीचे का आईब्रो बनाने के लिए इस तरीके से पकड़ना होता है, टाइट खींचना होता है, जिसकी वजह से हमको हेयर निकालने में इजी होता है। एंड जब भी हम लोग आईब्रो बनाते हैं तो आईब्रो का धागा जो होता है वो स्किन पे बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं चाहिए, हल्के हाथों से बनाना चाहिए। उससे क्या होता है कि शेप भी अच्छी आती है और कस्टमर को पेन भी कम होता है। ओके, मैं इस तरीके से इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो स्किन है वो पतला है और कट लगने का चांसेस रहता है। अगर आप भी किसी कस्टमर का आईब्रो कर रहे हो जिनकी स्किन पतली है तो इस तरीके से पहले खिंचवा लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा। उससे क्या होगा कि उनको कट लगने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा और नहीं लगेगा तो, और पेन भी कम होता है। ओके, तो जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि मैम आईब्रो थ्रेडिंग, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, सॉरी डियर मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया इस वीडियो के लिए, लेकिन बट आज आपको ये वीडियो फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए और बहुत खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ जो कि अक्सर बनाने में हमको काफ़ी दिक्कत आती है। तो एक न्यू ट्रिक बताऊँगी, ईजी सा ट्रिक है और काफ़ी छोटे बालों में बना रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। एंड मैंने किस तरीके से बनाया है वो देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने हेयर को लिया था, अब चाहो तो पूरे हेयर में भी रबड़ लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पे मुझे साइड पार्टीशन करनी है तो पहले मैं इस तरीके से साइड पार्टीशन कर ले रही हूँ और ईयर टू ईयर पार्टीशन करके और क्राउन एरिया के हेयर को लेके हल्का सा यहाँ पे छोटा सा एक पफ बनाएंगे। पफ बनाने के बाद हेयर स्टाइल कम्प्लीट करेंगे। तो इस तरीके से मैं कॉम कर रही हूँ, हल्का सा ट्विस्ट करके आगे की तरफ पुल करेंगे और एक खूबसूरत सा छोटा सा पफ बनाएंगे और क्लिप्स को लगा देंगे। ओके, ओके, अभी क्या करना है आपको, ये साइड के जो हेयर हैं इनको इस तरीके से पकड़ूंगी और अच्छे से कॉम कर लेंगे। तो इस तरीके से हेयर को ले लिया है मैंने फ्रंट के, एंड एक पतला वाला रबड़ बैंड लेना है यहाँ पे, हो सके तो अपने हेयर से मैच होता हुआ रबड़ बैंड ले लीजिएगा। मैंने अभी ब्लैक लिया है और इस तरीके से लगा देना है। रबड़ बैंड को लगाने के बाद से आपको क्या करना है, बहुत मस्त सा आपको ट्रिक बता दी यहाँ पे। थोड़ा सा रबड़ बैंड को और पीछे की तरफ खींचेंगे और इस तरीके से लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। ओके, किस साइड से आपको रखना है वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से आप ब्राइडल से हेयर स्टाइल में भी ट्राई कर सकते हो, अगर दुल्हन का हेयर स्टाइल बना रहे हो तो भी ट्राई कर सकते हो, सेल्फ कर सकते हो और दूसरों के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। बट मेरे हेयर कर्ली हैं तो कैसा लग रहा है, इसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी बताने वाली हूँ। इस तरीके थोड़ा थोड़ा सा लूज करके अच्छे से मैनेज करके आप अपना क्लिप की मदद से जहाँ पे आपने रबड़ बैंड लगाया है वहीं पे क्लिप्स लगा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर क्लिप्स को लगाऊंगी, हेयर पिन को। तो इस तरीके से मैंने लगा दिया है, बट कर्ली होने की वजह से थोड़ा सा अनमैनेज दिख रहा है, तो उसके लिए आपको पतले दांतों वाली कॉम लेनी है और लेना है सेटिंग स्प्रे, बहुत हार्ड है ये सेटिंग स्प्रे।
एंजो का हेयर सेटिंग स्प्रे है और इस तरीके से हल्का हल्का कॉम कर देंगे जिससे कि हमारा हेयर मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको मांगटीका ऐड करना है तो आप पहले ही ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ से हेयर फॉल की वजह से साइड के हेयर थोड़े से अनमैनेज हो रहे थे तो उस पर भी आप सेटिंग स्प्रे से करोगे तो ईजिली हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हमने यहाँ पर बना लिया है। अब दूसरी साइड क्या करना है, दूसरी साइड आपको सिंपली इस तरीके से हेयर को लेना है और टाइटली ऊपर की तरफ फॉर्म करके लेके जाएंगे और एक क्लिप लगा देंगे जहाँ पे हमने पफ का क्लिप लगाया था बस वहीं पे। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आपके इतने छोटे बाल हैं तो आप इस तरीके से ओपन भी रख सकते हो जितने कि मेरे छोटे हैं, बट गर्मियों का टाइम है आपको ओपन नहीं रखना है या फिर अब मतलब बहुत ज़्यादा काम वाम रहता है हमारे घर में, अगर पूजा पाठ है या फिर कोई पार्टी है तो आप स्टाइलिश लुक के साथ अपने बालों को मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं पफ वाले हिस्से को खींच रही हूँ जिससे कि अच्छा सा पफ दिखे। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया हमारे बालों को। आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। ये हेयर कट मैंने खुद से किया है, इसकी वीडियो अपलोड है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। वाह, तो ये हमारा बन गया हेयर स्टाइल। आप चाहो तो ऐसे रख के अपना पार्टी इन्जॉय कीजिए, शादी पार्टी फंक्शन जो भी आपके घर में है आप इस तरीके से अपना हेयर स्टाइल बना सकते हो। टीका भी ऐड कर सकते हो, टीका ऐड करने के लिए नेक्स्ट टाइम बता दूंगी। तो हो गया, तो आप इतने पे भी छोड़ सकते हो बट आपको थोड़ा सा मैनेज लुक मतलब कम्फर्टेबल लुक चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लिप्स जो दिख रहा था उसको हाइड करने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरीके से हेयर को ले रही हूँ और क्लिप के ऊपर से इस तरीके से लेके जाऊंगी और इसमें क्लिप लगा दूंगी जिससे कि और भी ज़्यादा प्रोफेशनल सा लुक आएगा आपके बालों में। और यहाँ पे भी क्लिप लगा देंगे और इसके बाद आप छोड़ सकते हो अपने हेयर स्टाइल को कंप्लीट लुक की तरह। वाह, और अगर आपको ऐसे ओपन नहीं रखना है तो आप इसमें पफ बना बन बना सकते हो। तो बन बनाने के लिए आपको क्या करना है, बन बनाने के लिए मैंने सारे बालों को इस तरीके से पकड़ लिया है और जहाँ तक हमने क्लिप्स लगाई हैं, हेयर पिन लगाई हैं छोटी वाली, वहाँ तक आपको पोनी को लेके जाना है और एक रबड़ बैंड लेना है और लगा लेना है। आप मोटा रबड़ बैंड भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। मोटे रबड़ बैंड से क्या होगा, आपका बन थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो इतने छोटे पतले बाल हैं तो आप इस तरीके से बन बना सकते हो। ये पोनी भी काफ़ी अच्छी लग रही है बट मुझे पोनी नहीं रखनी है क्योंकि हमको कंफर्टेबल लुक चाहिए। देखिए कितना ज़्यादा हेयर फॉल मेरा इस टाइम पे हो रहा है, गर्मियों का मौसम है, बरसात का कभी आ रहा है, इस वजह से हेयर फॉल भी हो रहा है। इस तरीके से ट्विस्ट करना है बालों में। ओके, ट्विस्ट करके सिंपली आपको थोड़ा सा अच्छे से ट्विस्टिंग करते हैं या फिर आप इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो बालों को और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट करते जाना है क्योंकि लेयर्स में कटे हुए हैं तो उस तरीके से करने से हमारे लेयर्स सारे निकल जा रहे हैं। इस तरीके से करेंगे तो भी लेयर्स निकलेंगे बट कम निकलेंगे और स्टाइलिश सा लुक आएगा। अब आपको इस तरीके से सिंपली जो लेयर्स निकल रहे हैं उनको मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं है। अब इस तरीके से पूरे बालों को लपेट लेंगे और यू पिंस की मदद से या फिर आप क्लिप्स ले सकते हो। यू पिंस हमारे कई बार निकल जाते हैं, पतले हल्के बाल रहते हैं तो बॉबी क्लिप्स लेके उससे आप इस तरीके से क्लिप्स को पूरा लगा दीजिएगा और आपका छोटे बालों में इतना खूबसूरत सा बन बन के रेडी हो जाएगा जो कि काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है और अच्छा दिखता है। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो रबड़ बैंड है वो अच्छे से हाइड हो जाए। देखिए यहाँ पे मेरा रबड़ बैंड दिख रहा है तो उसके लिए मैं और एक दो क्लिप्स लगा लूँगी और यहाँ से लेयर्स मैं निकाल ले रही हूँ। ओके, तो इस तरीके का लुक है। आई होप कि वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए।